हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का यूनिट टू का पार्ट टू। यूनिट वन मैं करवा चुका हूँ, यूनिट टू का पार्ट वन भी मैं करवा चुका हूँ और यूनिट टू का ये पार्ट टू है। जिसने अभी तक यूनिट वन का और यूनिट टू का पार्ट वन नहीं देखा है वो पहले उस पार्ट को देख ले, उसके बाद इस पार्ट को देखिए। ये यूनिट टू का पार्ट टू है जिसमें हम स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता से इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, इसमें स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ का मतलब ये है कि किसी भी अर्थ में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता की जो ये अवधारणा है ये पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में एक बहुत ही प्रचलित अवधारणा है और इसमें एक ब्रिटिश दार्शनिक है, ब्रिटिश विचारक है जिनका नाम इजाया बर्लिन है। उन्होंने अपने एक एसे के अंदर, और उस एसे का नाम था टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें उन्होंने नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार दिया था और उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को किसी भी बाहरी बाधाओं से मुक्त और बिना किसी सीमा के जो कुछ भी करना पसंद है उसे करने की स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया है। तो अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता और उस स्थिति में विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में जो कि उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और यह शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के लिए एवं संघ या संगठन बनाने के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में आबाद कहीं भी घूमने के लिए किसी भी व्यापार व कारोबार करने के लिए अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 19(1). और यहाँ पर यह ध्यान देने महत्वपूर्ण है कि ये अधिकार असीमित है, यानी कि इनको कभी भी सीमित किया जा सकता है। ये कुछ प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए जाते हैं जिनके द्वारा इनको सीमित किया जा सकता है। इन प्रतिबंधों को 19 अनुच्छेद के खंड 2 व 6 में परिभाषित किया गया है। ये प्रतिबंध स्वतंत्रता और सामाजिक अनुबंधन के मध्य संतुलन बनाने के लिए लगाए गए हैं। यह जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, न्यायपालिका की अवमानना, मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था एवं विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के आधार पर प्रतिबंध आरोपित है। इस आधार पर ही इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिन जो कि मैंने अभी बताए हैं, इसके अलावा इनको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, जो कि अनुच्छेद 19(1) में दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 में जो कि जिसके अनुसार आपराधिक कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक अपराधी को अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले या बाद वाले कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। उसी अनुच्छेद यानी कि जो अनुच्छेद 20(b) जो है, खंड बी जो कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य यानी कि गवाही प्रस्तुत करने के लिए दबाव में नहीं डाला जा सकता। तो इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को उस समय जो भी सजा प्रचलित है उसी के आधार पर उसको सजा दी जा सकती है। ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 21 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जीवन का अधिकार, यह सबसे समग्र रूप से व्याख्या की गई है कि जो अनुच्छेद है जिसमें देश में आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए आयाम जोड़े हैं। यह अनुच्छेद भी अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा संरक्षित है, जिसका अर्थ है दैहिक स्वतंत्रता का होना। यह मुख्य रूप से पर्याप्त सबूतों के बिना अवैध कारावास के मामलों में प्रचलित है। और अनुच्छेद जो 21 है, इसी में अनुच्छेद 21(a) अधिनियम 2020 के तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत 21(a) जोड़ा गया, जिसको शिक्षा का अधिकार कहा जाता है
और इसमें यह राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद जो 22 है ये है मनमानी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध सुरक्षा उपायों से संबंधित। इसमें जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कितने वक्त के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है और उसमें उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इस अधिकार अनुच्छेद के अंदर प्रदान की गई है। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 23 में मनुष्य के व्यापार यानी कि मनुष्य के व्यापार पर रोक लगा दी गई है। किसी भी प्रकार से मनुष्यों को यानी कि ह्यूमंस को न तो खरीदा जा सकता है ना ही बेचा जा सकता है एवं बलात्श्रम का निषेध यानी कि बाल श्रम जैसे कि बहुत सी स्थितियों में देखा गया है कि बच्चे को काम या बलात्श्रम करते हुए देखा गया है तो उसके लिए भी अनुच्छेद 23 के अंदर शोषण किसी प्रकार का अगर शोषण हो रहा है उस शोषण को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 23 को रखा गया है। अनुच्छेद 24 जो है उसमें कारखानों खदानों आदि जैसे खतरनाक स्थानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजन पर प्रतिबंध लगाया है यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को ऐसी खतरनाक या ऐसी हजार्डियस एरियाज में चाहे वो कारखाने हो चाहे वो खदान हो उन पे काम करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 इन चार अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो पहला अधिकार है इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को बिना किसी बाधा के मानना यानी कि किसी भी बगैर बाधा के धर्म को मानना आचरण करना उसका प्रचार कर प्रसार करना की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई है यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है अगर वह अपना कि उसका प्रचार करना चाहे उसका आचरण करना चाहे प्रचार करे या उसको किसी भी तरीके से मानना चाहे अंतःकरण करना चाहे उसको पूर्ण स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के तहत। और अनुच्छेद 26 में व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना पोषण और अपने धर्म विषम कार्यों को प्रबंध करने विधेय समान संपत्ति का अर्जन करने और स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है यानी कि कोई धर्म अगर अपने संस्था को स्थापित करना चाहता है उसको लिए कुछ भी अर्जित कर रहा है तो उसको उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। और इसी प्रकार से अनुच्छेद जो है 27 के अंदर धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों का भुगतान नहीं करने की स्वतंत्रता दी गई है यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि धार्मिक कार्यक्रमों में या उनकी संस्थाओं में जो है कुछ डोनेशन वगैरह करता है तो उसको करों के अंदर छूट दी गई है। और इसी प्रकार से जो है अनुच्छेद 28 है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए और इसके तहत यह कहा गया है कि राज्य को स्वामित्व वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी यानी कि जो कि राज्यों के द्वारा चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो किसी भी यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो जो भी संस्थाएं राज्य के द्वारा संचालित होती है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी क्योंकि इसमें सीधे सीधे तौर पर कहा गया है राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत जो है धर्म निरपेक्ष राज्य है यानी कि भारत का जो संविधान है वो तमाम के तमाम धर्मों चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है उनको उनकी उपासना करने उनका आचरण करने उनको मानने उनको प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इसीलिए वह किसी विशेष धर्म को विशेष स्थिति में उसकी धार्मिक शिक्षा की आजादी शिक्षण संस्थाओं में नहीं दे सकता। अनुच्छेद 29-30 जो कि शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है उसके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृति के क्षेत्र में स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर हम अब हम जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है समानता का पार्ट तो समानता को हम दो आधारों पर देखते हैं। पहले कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून की नजर में सभी समान हैं चाहे वो किसी भी रंग जाति भेद से हो
और दूसरा ये कि कानून का समान अनुप्रयोग, यानी कि एक ही कानून के लिए एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति को उस कानून के तहत ही ट्रीट किया जा सकता है। जो समता का अधिकार है, जो कि अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 अनुच्छेद हैं, पांचों में समानता के अधिकार को रखा गया है, जिसमें कानून के समक्ष समानता और कानूनों का अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण बल दिया गया है। और ये इसलिए क्योंकि ताकि समाज में सबको समान स्थिति मिल सके। अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण से संबंधी बात को कहा गया है। और कानून के समक्ष समानता का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को देश के कानून के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, सभी को एक जैसे अधिकार प्राप्त है, कोई भी विशेष अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिए गए हैं। अगर हम देखें भारत बनाम भारत संघ बनाम चरणजीत लाल चौधरी, 1950 में एक वाद हुआ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 के अनुप्रयोग की व्याख्या की गई थी, जिसमें 4 चीजें महत्वपूर्ण थी। पहला ये कि समान सुरक्षा से हमारा अर्थ यह है कि समान स्थितियों में समान सुरक्षा, यानी कि एक स्थिति में वही सुरक्षा जो कि एक विशेष व्यक्ति को, एक व्यक्ति को मिल रही है, दूसरे व्यक्ति को भी उसी प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी। राज्य, दूसरा यह है कि राज्य विधायी उद्देश्यों के लिए यथोचित वर्गीकरण कर सकता है। और तीसरा यह कि विधान तर्कसंगतता की धारणा द्वारा समर्थित है। और चौथी यह कि कानून का विरोध करने वालों पर सबूत का भार होता है। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन अगर हम उदाहरण के लिए पुरुष और महिलाओं के बीच असमान परिस्थितियों के कारण ही भारत में महिलाओं को एक कानून के अधिनियम के अंतर्गत अनुकूल स्थिति में रखा जा सकता है। हम अनुच्छेद 15 में अगर देखें, अनुच्छेद 15 में सीधे तौर पर कहा गया है, ना तो धर्म के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, ना ही जाति जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा सकता है। इन तमाम भेदभाव को रोका गया और इन तमाम भेदभाव को रोकने की बात कही गई अनुच्छेद 15 में। ना तो धर्म, जाति, स्थान, लिंग या किसी भी प्रकार के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 जो है उसके अंदर समान अवसर की बात की गई है, यानी कि एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति है या जितने भी व्यक्ति हैं उनको समान अवसर दिया जाएगा लोक नियोजन के विषयों में। ठीक है, जितनी भी नौकरी होती है उन नौकरी के लिए सबको समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को उसी चीज के लिए सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद रखा गया और दूसरे को नहीं रखा गया। ठीक है, इसमें अवसर समान दिए जाएंगे, रखना ना रखना ये एक कॉम्पिटिशन की बात है, लेकिन लोक नियोजन के विषयों में सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता को समाप्त करता है, यानी कि जो भारत में जो प्रचलित अस्पृश्यता थी, छुआछूत थी, उसको खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 को इंपॉर्टेंट माना जाता है और 17 के अंतर्गत इस चीज को रखा गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर राज्य के द्वारा नागरिकों को समान व्यवहार के युग की ओर ले जाने की बात की जाती है, यानी कि जो विशेष उपाधि जो थी उनको समाप्त करने की बात की गई है। इसमें जो विशेष उपाधियां होती हैं वो किसी भी प्रकार की विशेष उपाधि हो सकती है, राज्य उन तमाम विशेष उपाधियों को समाप्त करता है, क्योंकि अब हम उस युग में हैं जिस युग में तमाम नागरिकों को एक व्यवहार के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों की समाप्ति कही गई है। जो नेक्स्ट खंड है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसी पार्ट यूनिट 2 का, पार्ट 2 के अंदर बंधुत्वता, तो बंधुत्वता के अंदर 3 चीजें हैं, प्रतिष्ठा, एकता और अखंडता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राज्य का जो एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त करने का जो प्रयास करता है, यह लोगों के प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करने के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। और विभिन्न सांस्कृतिक, जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, धर्म हैं, भाषाएं हैं, जातियां हैं, समुदाय वाले देश में राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए
बंधुत्वता की भावना का पोषण करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो भारत में हैं, हम एक विविध संस्कृति, विविध धर्म, विविध जातियों, विविध समुदायों में रहते हैं, क्योंकि भारत एक डाइवर्सिफाई कंट्री है जहां पर विभिन्न विभिन्न धर्म जातियों के व्यक्ति एक ही स्थान पर रहते हैं। अगर हम पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो हम बहुत सारे ऐसे बहुत सारी संस्कृतियां, धर्म, जाति, भाषाएं, जातीय समुदाय देख सकते हैं। उनकी सबके बीच में एकता को बनाना, अखंडता को बनाना, प्रतिष्ठा को बनाना, बंधुत्वता की भावना का पोषण करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1976 में प्रस्तावना में उचित परिवर्तन किया गया और भारतीयों में बंधुत्वता की भावना को मजबूत करने के लिए इसमें 1976 में बंधुत्वता में प्रतिष्ठा, एकता और अखंडता को रखा गया और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सशक्त करने एवं बंधुत्वता की भावना को विकसित करने के लिए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो वह विशेष अधिकार क्या है कि जो अल्पसंख्यक है उनको क्या अधिकार है कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा, यानी कि जो संख्या में कम है, संख्या में जो व्यक्ति कम है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, और बहुसंख्यक यानी कि जो व्यक्ति उस राज्य में संख्या में ज्यादा है उनको बहुसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक जो है, जैसे कि हो सकता है कि अल्पसंख्यक भाषा उनकी भाषा है, दूसरा उनकी लिपि है, तीसरा संस्कृति को संरक्षण से संबंधित, यानी कि उनको संरक्षण कौन देता है, उनको संरक्षण से संबंधित, इन तीनों के संरक्षण, यानी कि उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित संबंधित, यह राज्य द्वारा बनाई गई राज्य से वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर हो रहे भेदभाव को रोक लगाता है। ठीक है, ये अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार है कि उनको किसी भी प्रकार से उनके धार्मिक आधार को देखते हुए, उनके जातीय, लिंग, भाषा के आधार को देखते हुए जो उनको रोक लगाता है वहां पढ़ने में, उनके लिए एक विशेष अधिकार जो है 29 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी लिपि, ये लिपि संस्कृति को संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रबंधन और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान है। ये अनुच्छेद 30 है जो कि भारत में बंधुत्वता की भावना को मजबूत करने के लिए इसको शामिल किया जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि अनुच्छेद 32 है, यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसके जरिए ही जो भाग 3 है उसमें जो प्रदत्त अधिकार है उनके लिए सीधे तौर पर अगर किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें सर्वोच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान अनुच्छेद 32 करता है, जो भारतीय संविधान के भीतर मौलिक अधिकारों को एक महत्वपूर्ण गौरव स्थान प्रदान करता है। इसके बाद जो इसी में अभी तक हमने जो बात करी वह जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बात की थी, इसके बाद हम जो बात करेंगे वो महत्वपूर्ण है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं, इसी प्रकार से संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये भी महत्वपूर्ण है, और इनको भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं और ये भाग 4 में निहित है। इन निर्देशक ने, जो निर्देशक है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इनको लाने का क्या कारण रहा, क्यों इनको लाया गया, तो जो संविधान निर्माताओं के पास निर्देशकों को इस प्रकार से तैयार करने की दूरदृष्टि थी, जहां अंबेडकर साहब का विचार था कि भविष्य की सरकारों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत निर्देश को लागू करने तथा उनको सफलता या विफलता के लिए आंका जाएगा, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बात उस समय संविधान निर्माताओं के सामने रखी थी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं जो राज्य की सरकारें होंगी उनकी सफलता एवं
विफलता को आंकने का एक तरीका बनेगी। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं अनुच्छेद 37 जो है इस पद को स्पष्ट करने का और स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि यह प्रावधान देश के शासन में मौलिक है और राज्य इन सिद्धांतों को कानून बनाने में लागू करने के लिए बाध्य है। यह आयरिश संविधान से लिया गया है तथा मौलिक अधिकारों के विपरीत है। यह राज्य के लिए सकारात्मक दायित्व की बात करता है। अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल द स्टेट पॉलिसी, जिनको हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, इनको चार अलग आदर्शों के तहत वर्गीकृत किया गया है। जो हम अगर सबसे पहले चार आदर्श कौन कौन से हैं, पहला आदर्श है समाजवादी आदर्श, दूसरा है पश्चिमी उदारवादी आदर्श, तीसरा है गांधीवादी आदर्श और चौथा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। तो इसको चार आदर्शों में जो सबसे पहला आदर्श है वह है समाजवादी आदर्श। समाजवादी आदर्श के अंदर न्याय की बात की गई है। न्याय की तीन कल्पनाएं जो कि सामाजिक न्याय के आधार पर, राजनीतिक न्याय के आधार पर और तीसरी आर्थिक न्याय के आधार पर, इसमें अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 43, 43 ए बी और 45, ये अनुच्छेद इसके आयाम को दिखाती है और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। अगर हम इसमें अनुच्छेद 38 की स्थिति को प्रवाह में असमानता को समाप्त करने का प्रयास, यानी कि किसी भी प्रकार से जो असमानताएं हैं उनको समाप्त करना 38 अनुच्छेद के अंतर्गत, और 39 में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविका का प्रयास साधन करने का प्रयत्न करना, अनुच्छेद 41 में काम के अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश है, और 42 के तहत राज्य काम के न्यायपूर्ण एवं मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए एवं महिलाओं को प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध करवाना, यानी कि जब इसमें ऐसी तमाम चीजें जो कि महत्वपूर्ण है मानवीय दशाओं के लिए होनी चाहिए, किन किन महिलाओं के लिए क्या सहायता हो सकती है उसके उपबंध के आधार पर, और अनुच्छेद 43 में जो है वह सभ्य जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए, सभ्य जीवन स्तर ठीक है, एक सिविलाइज सोसाइटी के तौर पर, और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग इनके छोटे जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने की बात की गई है 42वें संविधान अनुच्छेद 43 में। इसी तरीके से अनुच्छेद 43 ए जो है उसमें श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध में सहभागी बनाना, जो कि संविधान के 97वें संविधान संशोधन के तहत जो है 43 बी में सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंध का एक उपाय किया गया था, और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान शामिल है। ये सभी आदर्श समाजवादी तर्ज पर एक ऐसा समाज के निर्माण के लिए किए जाते हैं जिससे समाजवादी आदर्श को बढ़ावा मिल सके। इसी प्रकार अगर हम वर्गीकरण का दूसरा स्तर देखें तो वर्गीकरण का दूसरा स्तर है गांधीवादी आदर्श। इस गांधीवादी आदर्श के अंतर्गत चार अनुच्छेदों को हम देखते हैं, अनुच्छेद 40, 46, 47 और 48। सबसे पहले जो गांधीवादी आदर्श है, सबसे महत्वपूर्ण है, वह है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में पंचायत राज का उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है गांधी जी का जो सपना था, गांधी जी का सपना ये था कि हर व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार से शासन में भागीदार बने, और उसको और गांधी जी का यह सपना था कि ग्रामीण संरचना में भी जो ग्रामीण संगठन है कि आधार के रूप में गांव के जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यवस्थित करने के लिए लंबे समय से जो गांधी जी का सपना चलाता आ रहा था इसको पूरा करता है, और ग्राम पंचायत के संगठन का जो निर्देश 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा साकार किए गए उसी सपने का साकार करना दिखता है, जिसके तहत भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संशोधन को लागू करने के बाद
अनुच्छेद 46 जो है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि जिनको एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के संबंधित है, जिसमें एससी एसटी जो भी व्यक्ति है उनके लिए जो शिक्षा और उनके जो आर्थिक हित है उनको बढ़ावा देने से संबंधित इसमें बात कही गई है। अनुच्छेद 47 यानी कि 47 जो है वह पोषण हार स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है, यानी कि जो भी पोषण में स्थिति है और सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि यह भी राज्य का ही विषय है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन पर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करता है। यहाँ गायों बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कहा गया है कि इनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है वह है पश्चिमी उदारवादी आदर्श। पश्चिमी उदारवादी आदर्श में तीन अनुच्छेदों को महत्वपूर्ण रखा जाता है, 39, 44 और 50। 39 जो है अनुच्छेद 39 जो है न्याय में समानता को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता संबंधित है। इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों को जो कानूनी सहायता है वह मुफ्त में दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 44 में नागरिक संहिता की एक रूपता को बढ़ावा देने के लिए भारत में समान नागरिक संहिता जिसको सिविल ड्रेस यूनिफॉर्म कोड बिल, सिविल यूनिफॉर्म कोड बिल कहा जाता है, इसमें सभी को एक जैसा बनाने की बात कही जाती है, एक जैसी भावना, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण ये है कि एकता और अखंडता की भावना का विकास होता है, सभी के लिए एक जैसा कानून की बात की गई है। और 50 ये है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है कि जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उसमें न्यायपालिका एवं कार्यपालिका अलग है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। इसके अलावा चौथा जो वर्गीकरण है वह स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श में 48A, 49 और 51 को रखा गया है। अनुच्छेद 48A जो है वह देश के अंदर जो भी वन है, पर्यावरण है तथा वन्य जीव के संरक्षण को प्रयास करना है कि उनका संरक्षण कैसे किया जाए, वनों को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण को खराब होने से कैसे बचाया जाए, और जो वन्य जीवन है और उन वन के अंदर जो भी कुछ है उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, इस तरीके को इसको अनुच्छेद 48A में रखा गया है। और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक है, स्थान है, वस्तुएं हैं उनके संरक्षण से संबंधित कहा गया है। और अनुच्छेद 51 का जो उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है कि विश्व में जो है किस प्रकार से शांति सुरक्षा का माहौल रहे, क्योंकि शांति सुरक्षा का माहौल पूरे विश्व में होने से ही जो देश की शांति सुरक्षा का माहौल बना रहता है, क्योंकि एक कोई भी देश आज के वक्त में, आज के उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में, हर देश किसी न किसी देश के ऊपर किसी न किसी चीज के लिए निर्भर है, या पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है तो थोड़े रूप से निर्भर हो सकता है, क्योंकि हर देश के पास हर वह स्थिति या वह संसाधन नहीं है जो कि उसके जीवन को विकसित कर सके। जैसे कि अगर मुख्य तौर पर देखे जाए तो अगर तेल के लिए हम कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया के देशों पर निर्भर है, तो वहां से तेल आता है और फिर हम उसको रिफाइन करके अपना विकास करते हैं। तो इसीलिए अनुच्छेद 51 में सीधे तौर पर कहा गया है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा भी देना है। इसके अगर निष्कर्ष के तौर पर हम देखें, जिसके अंदर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें इस पूरी यूनिट टू में हमने दो चीजों को महत्वपूर्ण आधार पर देखा है, पहला मौलिक अधिकारों का और दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांतों का। अगर हम इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है और इन दोनों को एक साथ लाने पर सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता की भावना उत्पन्न हो सकती है। हमें इन सिद्धांतों के विकास के सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ को नहीं भूलना चाहिए, हमें इन सिद्धांतों की जटिल परिस्थिति में तैयार भी किया जाए और इन आदर्शों को एक विधिक एवं जटिल समाज को लागू करने का प्रयत्न भी करना चाहिए।
जो कि स्वतंत्रता आंदोलन को अशांत अतीत दृश्य है। अगर हम ये देखें कि भारत में इन भागों में चाहे वो समतावादी हो, न्यायपूर्ण हो, मुक्त समाज की ओर ले जाने की क्षमता रही है, इसीलिए एक के ऊपर होने के बजाय हमें इनको एक दूसरे के पूरक मानना चाहिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है उतने ही महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है। जितना अधिक भारत अपने वित्तीय मामलों में दबदबा स्थापित करता जाएगा, उसने ही अधिक समय तक के लिए निर्देशकों के सिद्धांत विधि निर्माण के लिए मार्ग खोज लाएंगे। ये सिद्धांत संवैधानिकता की भावना को मजबूत करते हैं और ये मूल्य हमें अधिक स्वतंत्रता व सुरक्षा भी अधिक सुरक्षित बनाए रखते हैं। ये जो आपने मैंने जो डिस्कस किया यूनिट 2, ये यूनिट 2 का पार्ट 2 है, और इससे पहले मैं यूनिट 1 भी करवा चुका हूँ और यूनिट 2 का पार्ट 1 भी अपलोडेड है, और दूसरा ये यूनिट 2 का पार्ट 2 है। और इस चैप्टर में अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, उसके थ्रू में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको जो भी मैंने बताया है इसी प्रकार से क्वेश्चन, क्योंकि ये NCVAB, SOL और रेगुलर स्टूडेंट सभी के लिए कॉमन पेपर है, ये वैक पेपर है, वैल्यू एडिशन कोर्स, और इस पेपर को आप सभी के लिए अनिवार्य है करना, और इसमें जो असाइनमेंट है वो भी इसी के आधार पर बनेंगे। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ जो उनको कैसे करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।